वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर 5 साल के बाद दोबारा डायरेक्शन करने आ रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म थी आई गेस ए दिल है मुश्किल, स्टारिंग रणबीर कपूर, ऐश्वर्या बच्चन एंड अनुष्का शर्मा। तो उस पिक्चर के बाद अब वो दोबारा डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो उनकी फिल्म का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, स्टारिंग द लेजेंड्स धर्मेंद्र जी, जया बच्चन जी, शबाना आजमी जी एंड रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट। तो ये पिक्चर का टाइटल है रॉकी को रानी से की प्रेम कहानी। तो रॉकी जो 1981 में आई थी, संजय दत्त की पहली पिक्चर जो डायरेक्ट की थी सुनील दत्त साहब ने, वॉज अ सुपर हिट फिल्म। और रानी इज अ हिंदी वर्ड, तो रानी नाम की कोई पिक्चर आई नहीं है। हालांकि रानी को अगर इंग्लिश में करो तो इज बिकम क्वीन। तो क्वीन 2013 में आई थी, कंगना रनौत की फिल्म, डायरेक्टर विकास बेन, तो सुपर हिट फिल्म। और प्रेम कहानी 1975 में आई थी, डायरेक्टर राज खोसला की फिल्म, स्टारिंग राजेश खन्ना, मुमताज एंड शशि कपूर, और सुपर डुपर हिट फिल्म। तो अब ये 3 सुपर हिट फिल्मों का नाम है इसमें। अब देखते हैं करण जौहर कितनी सुपर हिट फिल्म बनाते हैं। हालांकि करण जौहर की फिल्मों में दम होता ही नहीं है, सिर्फ शोर शराब होता है। मतलब ऐसा रिलीज होने के टाइम पे एकदम हाइप कर देते हैं, लेकिन पिक्चर में बिल्कुल दम नहीं होता है। जैसे कभी खुशी कभी गम, 3 बड़े बड़े स्टार, और जब पिक्चर पब्लिक देखने गई तो पब्लिक को गुस्सा रहा था कि क्या इतने बड़े स्टार लिए और पिक्चर में बिल्कुल दम नहीं है। तो उनका डायरेक्शन में एक्चुअली दम ही नहीं होता। और कुछ साल से उनकी फिल्में एकदम कचरा फिल्में आ रही है जो उन्होंने प्रोड्यूस की है। अभी कलंक फिल्म देख के तो लोग, वो पिक्चर बॉलीवुड के लिए कलंक ही थी, बार बार देखो। मैनी अदर फिल्म जो धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की थी वो सब घटिया घटिया फिल्में थी। तो अब लेट्स होप, अब करण जौहर विल नॉट टेक ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। वो कुछ भी, उनका एक ट्रेंड था कि वो कुछ भी बना देते। एक पंजाबी फैमिली, एक सिंधी फैमिली, एक गुजराती फैमिली, वेरिंग गुड क्लोज एंड डांसिंग माँ ही रे, तो उनको लगता था सुपर। उस जमाने में चल गया, वो नया नया ट्रेंड शुरू हुआ था, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं चलेगी, तो कुछ नया करना पड़ेगा। लेट्स होप दैट करण जौहर इस बार कुछ अच्छी फिल्म बनाए और लोगों को एंटरटेनमेंट करे। वरना रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पता नहीं क्या होगा फिर। तो आई होप दे मेक अ गुड फिल्म विद अ वेरी गुड स्क्रीन प्ले। उनकी फिल्म का स्क्रीन पे अच्छा नहीं होता, करण जौहर की फिल्मों का। वो सब काम चलाओ स्क्रीन पे करते, और कुछ फिल्में चल गई उनकी तो उनको क्या लगता है कि सब फिल्मों में उनका काम चलाओ स्क्रीन पे चल जाएगा, लेकिन अभी वो स्क्रीन पे नहीं चलेगा। रिक्वायर फ्रेश स्क्रीन प्ले, तगड़ा स्क्रीन पे, ताकि ऑडियंस को मजा आए और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी अमर हो जाए, बॉक्स ऑफिस पे अमर अकबर एंथनी हो जाए, सुपर हिट हो जाए। तो आई होप ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, और जो करण जौहर का नाम बहुत खराब हो चुका है घटिया फिल्मों बनाने के लिए, तो होप धर्मा प्रोडक्शंस दोबारा बुलंदी के ऊपर आ जाए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड गाइस, यू नो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन इज बाय बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।